हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अभिलाष मोदी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदी मोटिवेशनल ढाबा। देखिए दोस्तों, जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो चीज ऐसी है, दो पॉइंट्स होते हैं हमेशा जिंदगी में, जान डाल दो और जान दे दो। ज्यादातर लोग जो जान लगा के किसी काम को नहीं कर पाते वो कहीं ना कहीं या तो जीते जी मर जाते हैं या वास्तविकता में मर जाते हैं। तो दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो यही है कि कैसे हम इतने स्ट्रांग हो जाएं अंदर से कि हमको जान ना देनी पड़े। देखिए, जान देने का अर्थ केवल सुसाइड नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूं कि सुसाइड कर ले, जान दे दे का अर्थ सुसाइड कर ले, नहीं नहीं। अगर आप अपने सपनों को मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जिंदा लाश की तरह ही जी रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कैसे ऐसा करें कि हम अपनी पूरी जान लगा करके काम कर पाए और जान देने की बात हमारे दिमाग में ना आए। तो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदी मोटिवेशनल ढाबा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि क्या हम एक कंपनी ओपन कर सकते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप एक कंपनी के मालिक बने, ज्यादा नहीं, एक साल, दो साल, तीन साल नहीं, मात्र एक दिन में, और एक दिन नहीं, एक मिनट में, सिर्फ सोच का खेल है। देखिए दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक कंपनी खोलें, उस कंपनी के अंदर एक चेयरमैन रखें, एक सेक्रेटरी रखें, कुछ वर्कर्स रखें, और उन वर्कर्स का काम ही ये होगा, उस चेयरमैन का काम ही ये होगा, और हर इंसान का काम ये होगा कि वो हमें नेगेटिव ना सोचने दे, वो हमें पॉजिटिविज्म की ओर ले जाए। क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, देखिए सोचते हैं दोस्तों। क्या कभी आपने नोटिस किया इस चीज को कि क्यों हमारा दिमाग बहुत जल्दी नेगेटिव सोचने लग जाता है? जब मैंने स्टार्टिंग करा था पॉइंट को कि जान दो मत, जान डाल दो, जान कैसे डाल सकता है कोई इंसान? जो लोग बहुत बड़े बने, एआर रहमान, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, क्या इन लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई होगी? आई होगी, बहुत बड़ी आई होगी और हमसे ज्यादा बड़ी आई होगी, पर फिर भी उन लोगों ने संघर्ष के साथ में अपना स्ट्रगल किया, वो लोग टिके रहे, जिंदगी के आखिरी तक टिके रहे और कुछ बन करके गए। अब्दुल कलाम सर की अगर बात करें तो वो कुछ बन करके गए। एआर रहमान सर आज भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, नरेंद्र जी मोदी आज भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, वो संघर्षों में पले हैं, वो संघर्षों के और अभावों के कारण इतना ऊपर तक पहुंच पाए। वो लोग भी जान दे सकते थे, वो लोग भी अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, वो लोग भी सोच सकते थे ठीक है यार मैं ये नहीं बन पा रहा तो मैं ये बन जाऊं, मैं वो तो नहीं बन पा रहा हूं, मैं कुछ छोटा सोच लूं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, दे डिड नॉट थिंक स्मॉल, वो उन्होंने बड़ा सोचा, उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जो दुनिया देखती रह गई। आमिर खान साहब जो है एक्टर, उन्होंने बहुत शानदार एक मूवी का डायलॉग है, उन्होंने बोला था कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे हीरे पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को अलग तरीके से देखा, लोगों ने मुसीबतें खड़ी कर दी, इसके बावजूद वो जीते और ऐसे जीते कि सारी दुनिया देखती रह गई। क्या हम उन हीरों में से कोई एक हीरा बन सकते हैं? जी हां दोस्तों, बिल्कुल बन सकते हैं। केवल और केवल एक चीज अगर हम दिमाग में सोच लें कि मुझे एक कंपनी को खोलना है, उस कंपनी में एक चेयरमैन रखना है, एक सेक्रेटरी रखना है, एक और बहुत सारे वर्कर्स रखने हैं, वो चेयरमैन कौन होगा? सोचिए उस कंपनी का नाम क्या होगा। उस कंपनी का नाम होगा लाइफ। हमने लाइफ नाम की कंपनी के अंदर एक चेयरमैन रखा। चेयरमैन कौन हो सकता है? अब्दुल कलाम। चेयरमैन कौन हो सकता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चेयरमैन कौन हो सकता है? कोई भी ऐसा इंसान जिसने बहुत स्ट्रगल किया है पर वो टूटा नहीं, जो लाखों करोड़ों लोगों का हौसला है। जब भी लोग टूटने की सोचते हैं तो हमेशा उस इंसान का चेहरा उन लोगों के दिमाग में आता है, उस इंसान की जिंदगी की इंस्पिरेशनल स्टोरीज उस इंसान के दिमाग में आती है। उनको लगता है कि नहीं यार, मैं नहीं टूटूंगा क्योंकि वो भी तो नहीं टूटा था। अगर ऐसे लोग, ऐसे किसी इंसान को आप चेयरमैन बना दें, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनली मेरे लिए अगर बात करूं तो मैं अब्दुल कलाम को बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल पर्सन मानता हूं। मैं मानता हूं वो भगवान थे, वो इंसान नहीं थे, क्योंकि इंसान ऐसे नहीं होते, वो भगवान थे। मैंने सेक्रेटरी के तौर पे बिठा दिया शिव खेरा जी को या संदीप माहेश्वरी सर को या किसी भी ऐसे इंसान को जिनके थॉट्स बड़े अच्छे हैं, कोई भी इंसान हो सकता है वो, और नीचे वर्कर्स में ऐसे लोगों को बिठा दिया जो मेरे क्लोज भी हो सकते हैं, मेरे परिवार में भी हो सकते हैं, मैं एक टीचर हूं तो मेरे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, मेरे कलीग्स भी हो सकते हैं, मेरे कोवर्कर्स भी हो सकते हैं, मेरे सबॉर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और या फिर
किसी भी फील्ड के अच्छे लोग, जैसे उन वर्कर्स में, उन सेक्रेटरी में या उस चेयरमैन की पोस्ट पे मैं सचिन को भी उठा सकता हूँ। एक पर्सन जो 10th फेल था वो कैसे भारत रत्न के काबिल बन गया? हमारे पेरेंट्स तो कहते हैं बेटा पढ़ पढ़, पढ़ेगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। कैसे एक इंसान जिसका पढ़ाई में मन इतना नहीं लगता था, जो फुटबॉल खेलना पसंद करता था, कैसे वो MS धोनी बन गया? कैसे एक इंसान जिसको रेडियो के अंदर से निकाल दिया गया था या जिसका रेडियो में सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, वो कैसे अमिताभ बच्चन बन गया? एक इंसान जिसके फादर और मदर की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, कैसे वो शाहरुख खान बन गया? एक इंसान जो शुरुआत में बाल कम होने के कारण, जिनको एक बहुत सिंपल सी मूवी मिली, कैसे वो अनुपम खेर बन गया? कैसे ये लोग बहुत छोटी जगह से इतने बड़े तक चले गए, सोचिए एक बार। कैसे एक 7वें नंबर का बच्चा एक अफ्रीकन और अमेरिकन कपल का माइकल जैक्सन बन गया? कैसे एक प्रोग्रामर बिल गेट्स बन गया? कैसे एक आम इंसान अब्राहम लिंकन बन गया? कैसे हुआ है सब कुछ? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उनके आसपास ऐसे लोग थे जो उनको मोटिवेट करते थे, या फिर उन्होंने कंपनी को खोला, उसके अंदर उन्होंने चेयरमैन लगाया, उन्होंने सचिव लगाया, उन्होंने सेक्रेटरी लगाया, उन्होंने वर्कर्स रखे, और उसके बाद में उनका काम क्या था? वो उनको बराबर से पेमेंट, सैलरी या रेमुनरेशन देते थे। उनका रेमुनरेशन क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझे इस पूरे वीडियो का। अगर मैं बात करूं वेंटेज पॉइंट कोई है तो वो ये है, समझने वाला कोई पॉइंट है तो वो ये है, वो लोग उनको सैलरी बराबर देते थे। उनकी सैलरी क्या थी? क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं? क्योंकि हम सैलरी देते हैं देखने की सैलरी, बुरे लोगों को देखने की सैलरी। आप 10 दिन ऐसे लोगों के बीच में रह जाइए जो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, आप भी मारपीट करना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। आप अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों को पढ़िए, यही उनके लिए सैलरी है। अब्दुल कलाम जी को पढ़ें, कैसे उन्होंने जिंदगी के मुश्किल हालात के अंदर बहुत संघर्षमयी तरीके से अपने आप को इतना काबिल बनाया कि आज मैं उनको भगवान कह रहा हूं, कैसे वो ऐसा बन पाए। उनको पढ़ें, उनको समझें, उनकी वीडियो को देखें, उनके ऑडियोज को सुने। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप उनको अपने पास रखेंगे, और फिर जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगा और आपको लगेगा मैं जान दे दूं अपनी, मैं हार मान लूं, तो अब्दुल कलाम खड़े होंगे सामने और अब्दुल कलाम आपको हार नहीं मानने देंगे। आपको लगता है कोई नेगेटिव थॉट आकर के अब्दुल कलाम को हरा सकता है? नहीं हरा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपको लगता है कोई नेगेटिव थॉट आकर के संदीप माहेश्वरी को हरा सकता है? नहीं हरा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हमें इस चीज को समझना होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी के बड़े बड़े स्ट्रगल में हार नहीं मानी, जब वो आपके पास होंगे, वो आपके पास कैसे रह सकते हैं? जब आप उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे, उनको बराबर से पेमेंट देंगे, उनको बराबर से सैलरी देंगे, उनकी सैलरी क्या है, उनको देखो, उनको सुनो, बार बार सुनो, उनको इंकल्केट होने दो अंदर, उनको अडॉप्ट करने दो अपने आप को। जब ऐसा हुआ वो आपकी कंपनी का हिस्सा हमेशा बन जाएंगे। कंपनी का नाम क्या है? लाइफ। मैं फिर से बता रहा हूं, प्लीज उनको अपने पास रखें, उनको सैलरी बराबर दे। अगर आपने उनको सैलरी मतलब उनको पढ़ा नहीं, उनको सुना नहीं, उनको देखा नहीं, वो आपकी कंपनी को छोड़ करके चले जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने आपकी कंपनी को छोड़ करके गए, ऐसे लोग आपके दिमाग में आ जाएंगे जो खुद ही इतने नेगेटिव हैं, तो वो कैसे आपको पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविटी या वो पॉजिटिव बना के रख पाएंगे, सोचिए। हम जो नहीं कहते कि नहीं नहीं यार ऐसा पॉसिबल नहीं कि इंसान हर समय पॉजिटिव सोच सके, मैं भी कह रहा हूं हर समय ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर क्या मैक्सिमम प्लेसेस पर जहां पर हमने इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, क्या वहां पर हम अच्छा स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं ले सकते? क्या वहां पर हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते इसको सोच करके फ्यूचर में हमें अपने आप पर गर्व हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर ट्राई करें तो हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो चीज हमने सीखी वो यही है कि हमें जान देनी नहीं है, हमें जान डाल देनी है अपने हर काम में। और जान इंसान कब डाल पाएगा? जब उसके अंदर से मोटिवेशन होगा, उसके अंदर से इंस्पिरेशन होगी, वो ऐसे लोगों की संगत में रह पाए जो लोग बहुत अच्छे थे, जो लोगों ने कभी हार नहीं मानी। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप इन अच्छे लोगों को अपनी कंपनी में रखें, इन लोगों को बराबर से सैलरी दें। और इसी शुभकामना के साथ में, इसी मनोकामना के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहूंगा। मैं फिर से मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने इस वीडियो को अगर पसंद किया है तो प्लीज एक लाइक देना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके के टॉपिक पर आप मुझे सुनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, वैसे मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो भी एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, मैं प्लीज उसको शेयर करना चाहूंगा, तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। लास्ट में फिर से बोलना चाहूंगा, जान नहीं देनी है, जान डाल देनी है। थैंक यू सो मच।